नमस्कार, आप देख रहे हैं देसा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। उपेंद्र कुशवाहा के कुछ दिन पहले बगावती सुर नजर आए थे, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में अपना हिस्सा मांग रहे थे, उसी को लेकर के दो दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है और सिन्हा लाइब्रेरी जो कि पटना में है उसमें दो दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है। कहा यह जा रहा है कि जेडीयू पार्टी को मजबूत किया जाएगा और जेडीयू जो है वो कमजोर हो रही है, तीसरे नंबर की पार्टी बन रही है और जेडीयू के लिए ही ये बैठक है। लेकिन वहीं इसी बैठक से कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। पहले आप वो तस्वीरें देखिए। कार्यकर्ताओं की नजर में आप साफ तौर से तस्वीरों में देखें कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं और नीचे में जेडीयू का झंडा जो गले में लोग पहनते हैं उसका महत्व क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है वो आप देख सकते हैं। और साफ तौर से कहा ये जा रहा है, तमाम बातें निकल कर सामने आ रही है, जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी जो है वो बिहार में बन रही है और इसी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है गलत लोगों की बात सुनते हैं और यही वजह है जेडीयू के कमजोर होने का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर तस्वीरों की बात करें तो बैठक में से जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है वो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि क्या तस्वीरें हैं। यही झंडा होता है जो जिसे पाने के लिए जो कार्यकर्ता है वो पार्टी ज्वाइन करते हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके गले में ये झंडा नजर आता है। एक तरफ जहाँ पार्टी को मजबूत करने की बात कही जा रही है वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है जिसमें जो कार्यकर्ता है जो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हैं उनकी नज़रों में जेडीयू के झंडे की क्या वैल्यू है। देसा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रही हमारे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देसा न्यूज़ का मकसद नहीं, देसा न्यूज़ की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।